नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्वादु में आपका स्वागत है। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ चावल के आटे के फरे। ये काफ़ी हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है जिसमें तेल घी की मात्रा काफ़ी कम यूज हुई है। चावल के आटे और दाल के मिश्रण को मिलाकर फरे तैयार किए जाते हैं। लंच या डिनर में कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसमें 2 कप चावल का आटा डालेंगे, 1/2 चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वादानुसार कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। 1 कप गर्म पानी डालकर आटा को मिक्स करें। फिर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हुए नरम चिकना आटा गूंथ ले। देखिए हमारा आटा तैयार है। अब एक ग्राइंडर में 1 कप भिगोई हुई चना दाल डालेंगे। इसे हमने 4 घंटे पहले से पानी में भिगोकर रखा था। अब इसमें 1/2 कप भिगोई हुई उड़द दाल डालें, इसे भी हमने 3 से 4 घंटे पहले से भिगोकर रखा था। फिर इसमें डालें 2 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक, 1 छोटी चम्मच जीरा और स्वादानुसार नमक डालकर ग्राइंड कर लेंगे। इसे ज़्यादा बारीक नहीं पीसेंगे, दरदरा ही पीस लेंगे। इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब इसमें 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालें, हल्दी 1/4 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, हींग 1 पिंच और धनिया पत्ता डालकर अच्छे से मिक्स करें। सभी मसालों को आपस में अच्छे से मिलाएं। अब गूंथे हुए आटे में से लोई तोड़ ले और हथेली से गोलाकार शेप दे। हल्का सा सूखा चावल आटा स्प्रिंकल करें, उस पर लोई रखें और फिर उस पर भी सूखा आटा छिड़के। अब इसे बेल लें, ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, थोड़ा मोटा रहने दें। अब एक गोल कटोरी या गिलास से पूरी की शेप में इसे हम काट लेंगे। अब पूरी के ऊपर थोड़ी सी स्टफिंग रखकर इसके आधे हिस्से को मोड़कर स्टफिंग को ढक दीजिए। इस तरीके से सारे फरे तैयार कर लेंगे। अब हम गैस ऑन कर एक कढ़ाई में 2 से 3 कप पानी डालकर चढ़ाएंगे। अब हम इसके ऊपर छलनी रखेंगे और इसके ऊपर तेल लगाकर चिकना कर लेंगे ताकि फरे चिपके ना। छलनी में थोड़ी थोड़ी दूरी पर फरों को रख दीजिए और ढककर 10 से 12 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने दीजिए। दस मिनट के बाद फरे को हम प्लेट में निकाल लेंगे। फरे तैयार है। ये स्टीम फरे हैं, इसे आप धनिया के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। स्टीम फरे को और ज़्यादा स्वादिष्ट बनाने के लिए इसे हम फ्राई करेंगे। फरे फ्राई करने के लिए गैस ऑन कर फ्राई पैन चढ़ाएंगे। इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे, 1/2 चम्मच राई डालेंगे, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच मिर्च डालकर चलाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। फिर इसमें फरे डालकर 1 से 2 मिनट चलाते हुए फ्राई कर लेंगे, कुछ इस तरह से।
फ्राई फ्रे तैयार है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।